Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi. We are going to talk about Sweden a little bit. दुनिया में one of the developed country माना जाता है, वहाँ पर क्या हो रहा है? Right wing extremism बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, जिसके वजह से हमें tension और conflict देखने को मिल रहा है Muslim community और वहाँ के Christian community में. Recent news ये बता रहे हैं कि तुर्की के जो embassy है उसके बाहर कुरान को जलाया गया है, फाड़ा गया है. अब इस तरह के जो act है ना, वो बर्दाश्त नहीं किए जाते हैं Muslim countries के द्वारा, और Sweden में ऐसा हो रहा है, जिसके वजह से पूरे स्वीडन में और बहुत सारे वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी, जैसे जॉर्डन में, सीरिया में, इराक में, तुर्की में और स्वीडन में तो हो ही रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है वहां के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, वहां के लोगों के खिलाफ. यहां पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाई सच इंसिडेंट इज इंक्रीजिंग इन पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड स्वीडन. इस तरह के घटनाएं घट ही क्यों रहे हैं, क्या ऐसा कारण है जिसके वजह से जो टेंशन है वो इतना एस्केलेट हो जा रहा है कि एक दूसरे की कम्युनिटी को वो बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे हैं, उसको हम लोग पॉइंट वाइज में समझेंगे. सबसे पहला पॉइंट है कि इंक्रीजिंग टेंशन बिटवीन सम मेंबर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी एंड द मुस्लिम कम्युनिटी. देखिए, जो कल्चर है, जो एथॉस हैं, ये दोनों के बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं, और ये जब एक जगह मिल जा रहे हैं तो क्या होता है कि नैरो माइंडेड पर्सन जो होते हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. ये भारत जैसा वहां का माहौल नहीं है कि एक ही मोहल्ले में हिंदू के मस्जिद भी रहेंगे और उसके बाद फिर मंदिर भी रहेगा, गुरुद्वारा भी रह सकता है. उस तरह का कल्चर और डाइवर्सिटी यूरोपियन कंट्रीज में मिलते नहीं है. वो लोग क्या चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी रहे. अब तुर्की में भी चल जाएंगे तो तुर्की भी यूरोप का एक पार्ट है, नेटो का मेंबर है. उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे, वहां पर क्रिश्चियन नहीं रह सकते हैं. तो डाइवर्सिटी जो है ना, इन कम्युनिटीज में लैक करता है, वो चाहे आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी हो जाएं या फिर चाहे आपके मुस्लिम कम्युनिटी हो जाएं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही भगवान को मानना चाहते हैं. दूसरा पॉइंट जो है, ऑनगोइंग रेफ्यूजी क्राइसिस. देखिए, जो प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट में चल रहा है, चाहे वो सीरिया में चल रहा है, चाहे वो लेबनान में चल रहा है, यहां से जो रेफ्यूजी निकल के जा रहे हैं ना, वो इन्हीं कंट्रीज में जाके बस रहे हैं और अपनी जो धर्म है उसका प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं. उसकी वजह से रिफ्यूजी क्राइसिस होने की वजह से, रिफ्यूजी के आने की वजह से, इन्फिल्ट्रेशन जो कल्चर में हो रहा है उसके वजह से भी टेंशन जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है. थर्ड पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे वो है राइज ऑफ फार राइट एंड एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट इन मेनी पार्ट ऑफ यूरोप. यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट फ्यू कंट्रीज तो अलाउ ही नहीं करते हैं रिफ्यूजीज को. जैसे पोलैंड हो गया, पोलैंड बोलता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे लेना ही नहीं इमिग्रेंट. आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से अगर कोई माइग्रेट करके आ रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से तो हम रखेंगे. लेकिन बहुत सारे कंट्रीज क्या होते हैं ना, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे कि आप स्वीडन देख लें, ये बोलते हैं कि कम्युनिटीज मैटर नहीं करते हैं, रिलीजन मैटर नहीं करते हैं, अगर आपके देश में प्रॉब्लम है तो आप हमारे देश में आके रहिए. और इसी के बाद फिर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी इन देशों में घुस जाते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर उधर से रिटेलिएशन होता है. तो अभी मैं एक रिसेंट का एग्जांपल बताना चाहता हूं, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें कि मोरक्को की हार हुई थी फ्रांस से, उसके बाद फ्रांस में तोड़फोड़ बहुत ज्यादा किए गए थे कि मुस्लिम कंट्री कैसे हार गया. तो इस तरह का जो माहौल क्रिएट होता है ना, वो दोनों तरफ से होता है और यही हमें स्वीडन में देखने को मिल रहा है. पर इतना भी ज्यादा बढ़ जाए कि आप जो होली कुरान है उसको जलाने लगे, ये बहुत ही गलत बात है. फोर्थ पॉइंट के ऊपर हम लोग चलते हैं. सम इंडिविजुअल में परसीव इस्लाम एज ए थ्रेट टू देयर वे ऑफ लाइफ और कल्चर. देखो, मैं वही बात कर रहा हूं कि जब इस्लामिक कल्चर और कम्युनिटी आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी में घुलने मिलने लगेंगे, तो क्रिश्चियन पीपल जो हैं, जो आपके रूढ़िवादी सोच के हैं या फिर सिंपल क्रिश्चियन को भी आप मान लें, उन्हें थोड़ा सा थ्रेट लगेगा कि ये क्या हो रहा है, मेरा जो कल्चर है वो कहीं खराब ना हो जाए, मेरा जो अभी तक चलते हुए आ रहा है परंपरा उसमें कोई बदलाव ना आ जाए, उसके वजह से भी एक थ्रेट होता है मन में. सो दीज वर सम पॉइंट जिसके वजह से हमें टेंशन देखने को मिल रहा है इन कम्युनिटीज के बीच में. लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, कुरान बर्निंग इज नॉट गुड. आप क्या कर रहे हैं, एक धर्म को पूरी तरह से नकार दे रहे हैं, जिसके वजह से टेंशन इतना एस्केलेट हो रहा है. एक और अलग एंगल इसमें हम लोग देखना चाहेंगे वर्ल्ड अफेयर या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हिसाब से, कि देखिए ये जो कुरान जलाया गया है ना, वो कहां पर जलाया गया है, ये तुर्की एम्बेसी के बाहर जलाया गया है. देखिए, तुर्की जो है वो एक इस्लामिक नेशन है और तुर्की इज द पार्ट ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, पर स्वीडन नहीं है पार्ट इसका. और स्वीडन चाहता है कि नेटो की मेंबरशिप उसे मिल जाए, लेकिन तुर्की क्या कर सकता है, इसको ब्लॉक कर सकता है. तुर्की यही धमकी दे रहा है कि आप जो है ना, वो एसिमिलेशन नहीं जानते हैं,
हैं, आप कल्चर्स को का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं और हम क्या करने वाले हैं अगर आप इस तरह के एक्ट को अपने देश में लाएंगे तो हम हॉल्ट कर देंगे, हम रोक देंगे आपका एंट्री इनटू द नेटो और उसके बाद आपका वही हाल होगा जो यूक्रेन का हो रहा है। सो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी डेवलप होते हैं रिलीजन के बेसिस पर और वही हमें स्वीडन में भी देखने को मिल रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट वाज द प्रॉब्लम और क्या हो रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये टेंशन एस्केलेट करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।